नमस्कार दोस्तों, इंडियन टैलेंट अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी भाषा सीखने के लिए और संज्ञा की भी जरूरत होती है, और संज्ञा के अंतर्गत आगे आ जाती है वचन। और वचन वचन देखिए, वचन वचन कहते हैं संख्या को। जैसे इसके अंदर वचन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। तो इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि जैसे घोड़ा घोड़ा हो गया, लड़के हो गए, लड़कियां हो गई, तो ये एक वचन के अंदर आ जाते हैं। और एक वचन बहुवचन में हम इस प्रकार समझेंगे, जैसे किसी एक चीज़ को एक चीज़ को बताना है, तो जैसे हो गया घोड़ा एक वचन में आ जाता है और घोड़े बहुवचन में आ जाते हैं, लड़का एक वचन में आ जाता है, लड़के बहुवचन में आ जाते हैं, कुत्ता एक वचन में आ जाता है और कुत्ते बहुवचन में आ जाते हैं। अगर एक से अधिक संख्या आ जाती है, जैसे एक 10 भी आ जाता है, 20 भी आ जाते हैं, ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं, तो वो बहुवचन में आ जाते हैं। और अकेली संख्या जो एक है वो एक वचन में आ जाते हैं, इसीलिए एक वचन और बहुवचन दो होते हैं इसके अंतर्गत। और इसमें जैसे और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें जैसे हो कि ऋतु 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 होती है, जैसे होती है ऋतुएँ ऋतु ऋतुएँ। और इसके 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 अलावा जैसे पौधा पौधों, गों गौएँ, ऐसे एक वचन एक 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 गौएँ की ज़्यादा मात्रा में तो गौएँ बन जाएंगी। तो इस प्रकार से एक वचन बहुवचन इसके अंदर अंतर्गत संख्या के अंतर्गत आते हैं, इसको नंबर कहते हैं। तो वचन मतलब नंबर, और एक वचन बहुवचन, ये दो प्रकार के इसके अंदर एक वचन बहुवचन होते हैं। तो इस प्रकार से आपने समझते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। तो आगे जैसे जैसे हमारे आगे लेसन बढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि एक वचन बहुवचन के बाद अब नेक्स्ट कौन सा पार्ट आने वाला है। तो हमारे वीडियोस देखते रहिए और हिंदी भाषा सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।